जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो दोस्तों, दाना वगैरह मैं बाल्टी में लेकर आके ये पड़ा हुआ, बाकी खुद को बाहर निकालता हूँ। ये मैं लेके आऊँ नीम गर्म हल्का सा पानी करके ना, तो उसमें ठंडा पानी ऐड करके, तो पानी गर्म चेंज के लग रहा है ना, इसमें कैल्शियम पी का सिरप डाला हुआ है। कैल्शियम पी का सिरप जो है ना, वो मिक्स करके इनको पिलाऊँगा। जैसे ना ये आधी अंडा के बाद थोड़ी वीक हो जाती है ना, वो मसला नहीं आएगा इनमें। ये आप भी यूज़ करवाएं। तो आज उड़ने लग गए हैं, अभी तक इनके कोई अंडे वगैरह नहीं आ रहे। अभी तक यार ये इन्होंने बाल्टी गिरा देनी है। ये आज हो सकता है दोस्तों इस गोल्डन माजी ने दूसरा अंडा भी उतार दिया होगा अपना। इनको दाना डालता हूँ, उसके बाद जो है ना आ जा आगे, तू भी खा ले। ओ यार जा चल, ये लगता बाल्टी से डर रही है, डंगर है कहीं। इनको आदत है वो आगे दाना खाने की ना, पानी वो आगे पड़ा है इस वजह से ना उधर जाना चाह रहे हैं। दाना मैंने इधर डाले ना, इधर मसला ये होता है कि यहाँ पे कमें और चीलें वगैरह आ जाती है ना, उनसे कबूतर डर जाते हैं। बाकी और कोई मसला नहीं है। ये देखिए अभी भी दाना नहीं खा रहे सही से। बाकी कल दोस्तों मैंने ये जो लाखी मादी है ना, इसको पकड़ के चेक किया था, जो है ना इसकी झोल भरी हुई है अंडे से, पता नहीं कब ले करेगी ये। ये जो पीछे लाखी मादी दाना खा रही है, हालांकि सियालकोटी मादी का भी बहुत मुझे था ये अगले कर देगी, लेकिन इसने भी अभी तक दोनों माध्यम ने किए। और मुझे वो गोल्डन माध्यम की उम्मीद ही नहीं थी, उसने अगले कर दिए, वो पीछे दाना खा रही है। अभी जाता हूँ अंदर, आपको दिखाता हूँ अगर उसने दूसरा एग उतारा हुआ है या नहीं उतारा। उम्मीद तो है कि उतारा होगा, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। हाँ दोस्तों ये देखें माशाल्लाह से दोनों एग उतर गए हैं। और आज वैसे भी ना वो काला जो सुरखा ना, वो आज बैठा हुआ था अंदर ना क्रेट के अंदर अंडा वो हीट करने के लिए, तो माशाल्लाह से इसने दूसरा भी अंडा उतार दिया। यार पता नहीं उन मादियों को क्या हुआ दोनों को, हालांकि ये मादी उसे आलकोटी मादी बहुत अच्छी है, लाखी मादी भी अच्छी है। गर्मियों में इनसे पीरियड लेता रहा हूँ मैं, तब भी इन्होंने अंडे वगैरह किए हैं, सब कुछ किया। ये कबूतर आया किसी ऊपर दोस्त, लगता तो ये जंगलियों में सारा हला हुआ, साथ में जंगली भी उड़ रहे थे। सुबह दोस्तों ये काला बच्चा किधर है? हाँ ये इस बच्चे ने सुबह उड़ा है, और वो जो आगे चाचा का जाल है ना, उस जाल के पास उसके जाल के ऊपर गेड़ा लगाता है उसके छत के ऊपर, तो बैठा नहीं है। उसको मैंने उड़ाया था सुरखों के साथ, वो 5-10 मिनट उड़ने के बाद ना लैदा हो गया था ये, तो लैदा फिर गेड़े काटता रहा, वो जल्दी भी आ गया सुरखे वगैरह। ये गेड़े निकालता रहा उनके छत के पास, तो मुझे डर था कहीं बैठ ना जाए उसके जाल के ऊपर। उसने छेड़े वगैरह भी लगाई हैं, लेकिन ये बैठा नहीं, इतना नस्ली कबूतर था। दूसरी बार फिर मैंने सुरखों को उड़ाया इसको बुलाने के लिए ना अपनी छत की तरफ, फिर अपनी मर्जी से आया, 2-4 गेड़े वो निकाले उसने उधर ही, फिर एकदम से लंबा गेड़ा निकाला और यहाँ से यूँ सारा घूम के छत, जैसे इसने देखी है फ़ौरन छत के ऊपर पार गिरा के और उसके ऊपर आके बैठ गया टैंकी के ऊपर। बहुत सयाना दोस्तों ये बच्चा माशाल्लाह से ये वाला, बाकी काफ़ी दिन बाद उड़ाया था ना, तो वो लगता है इस वजह से ना थोड़ा है, चला गया था उस तरफ, नहीं तो ये जाता नहीं है छत के ऊपर ही गेड़ा निकालता है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। आप भैया की सपोर्ट चाहिए होती है, सपोर्ट करते रहेंगे माशाल्लाह से आपको अच्छा शौक देखने को मिलेगा।
बाकी कैल्शियम पी सिरप मैंने आज इनको इस्तेमाल कराया, आप भी करवाएं इंशाल्लाह उसका बेहतरीन रिजल्ट है दोस्तों। हफ्ते में एक बार या 10 दिन बाद इस्तेमाल एक बार लाजमी करवाएं, आजकल क्योंकि ब्रीड का सीज़न है तो इंशाल्लाह आपको ब्रीड भी अच्छी मिलेगी फिर। लेकिन दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।